हेलो फ्रेंड्स वेलकम इन माय चैनल नाउ आई एम गोइंग टू टीच यू हाउ टू रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर एंड आई ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश एवरी सेंटेंस एंड वर्ड्स वन बाय वन सो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट ऑफ हेडलाइनिंग भोजपुरी फिल्म स्टार फाउंड डेड इन वाराणसी होटल यहाँ पर फाइन का भाव टू है फाउंड और डेड मिस मिलित होता है और इंग्लिश में चलिए हम लोग ट्रांसलेट करते हैं इसको हिंदी में तो भोजपुरी फिल्म स्टार वाराणसी होटल में पाई मृत पाई क्या पाई मृत पाई मृत पाई चलिए नीचे देखते हैं हम लोग शुरू करते हैं वाराणसी पॉपुलर भोजपुरी फिल्म स्टार आकांक्षा डूबे जो प्रसिद्ध भोजपुरी फिल्म स्टार जो थी आकांक्षा डूबे ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव ईयर्स की थी वॉज फाउंडेड इन हर होटल रूम वो पाई मृत वो पाई गई डेड मृत इन अपने होटल के रूम में इन सारनेट एरिया ऑफ सिटी ऑन संडे मॉर्निंग वो सारनाट एरिया के सिटी के सारनाट एरिया में पाई गई ऑन किस दिन संडे मॉर्निंग को रविवार के मॉर्निंग को सीवर शूटिंग इन सिटी फॉर हर फोर्ट कॉमिंग फिल्म अब यहाँ पे वो देखते कुछ है शूटिंग में है किसी चीज़ की फिल्म को शूटिंग करना आप तो जानते ही हो और फोर्ट कॉमिंग से आगामी क्या होता है आने वाली तो वो सिटी सी, में आगामी फिल्म अपनी आगामी फिल्म की शूटिंग कर रही थी एंड हैड रिटर्नडेड और वह लॉटरी टू तो हर रूम ऐट सुमिंद्रा रेसिडेंस वो लॉटरी अपने रूम होटल रूम पे जिसका नाम था सुमिंद्रा रेसिडेंस होटल एट वन पॉइंट फिफ्टी फाइव ए एम मतलब बच, एक बज के पचपन मिनट में आफ्टर आफ्टर अटेंडिंग ए बर्थडे बस ऑन सेटरडे नाइट यहाँ पर कुछ वर्ड है आप्टर, आप्टर यहाँ के, के पहले होगी सेंस यहाँ पर इसका हिंदी के पहले होगा और यहाँ पर बस मिस होता है और बर्थडे सेलिब्रेशन करना चलिए मतलब देखते हैं फिर इसको हिंदी कल कर, सर्च करते हैं तो एक बज के पर्चिन पहुंची और उसके उसके पहले अटेंड की थी मतलब कि अटेंड की थी क्या चीज की थी तो बर्थडे पार्टी की थी और सेलिब्रेशन की थी ऑन सैटरडे नाइट मतलब शनिवार की रात को चलिए हम लोग फिर आगे देखते हैं हर वर्डी वॉज इन उसकी बॉडी पाई एक, एक सिटी पोजिशन मतलब कि एक बैठे हुए पोजिशन में ऑन द बेड बिछावन पे विद हर स्टॉल विद हर अपने विद हर स्टॉल स्टॉल में दुपट्टा भी होता है रैपिड डब्लू साइलेंट हो जाएगा यहाँ पर रैपिड अराउंड हर नेक मतलब कि उसके गर्दन पे चारों ओर रैपेड से uh, बांधा हुआ लपटा हुआ लपटा लपटाप पाई गई वेन वेन द डूर ऑफ होटल रूम जब होटल रूम उसके होटल रूम के दरवाजे वॉज ब्रोकन तोड़ा गया तोड़कर मतलब तुरकर खोला गया ओपन बाय पुलिस किसके द्वारा पुलिस द्वारा एट दस बजे मॉर्निंग संडे को सी वॉज लाइव लाइव ऑन इंस्टाग्राम वो इंस्टाग्राम पर लाइव थी वेयर जहां सी हेच सेवन मिलियन फॉलोवर्स सेवन मिलियन सेवन मिलियन फॉलोवर थी और एट टू पॉइंट टू फाइव एम ऑन संडे संडे को दो बज के पच्चीस मिनट वेयर जहां सी कैन बी सीन शॉपिंग जहाँ वो पे सुबहती हुई दिखाई दी रोती हुई थोड़ा थोड़ी हाँ हालांकि इन हर लास्ट इंस्टा पोस्ट ऑन सटरडे इवनिंग हालांकि उनका जो लास्ट जो पोस्ट क्या हुआ था इंस्टा पे वो सटरडे को थी सटरडे इवनिंग को और सी जेरेटिंग जयरेटिंग टू भोजपुरी नंबर एंड एफियर्स नॉर्मली मतलब क्या हुआ देखने वर्ड कुछ निकले यहाँ पर वर्ड अच्छी है एपिन दिखाई देना प्रतीत होना और डायरेक्टिंग विश होती है जैसे चक्कर लगाना किसी ऑफिस का या किसी इंडस्ट्री का तो वो ज़्यादातर है ना वो ज़्यादातर नॉर्मल ज़्यादातर और दिखाई देती थी भोजपुरी के इंडस्ट्री के चक्कर लगाते हुए सारनाथ ए ज्ञान प्रकाश राय सेड एज पर इनिशियल इन्वेस्टिगेशन अब यहाँ पर किसाननाथ जो ए सी ज्ञान प्रकाश जो है उस शेरमिस कहना होता है कहें जैसे कि जरूरत है जांच पड़ताल की इट एफेट टू बी ए केस ऑफ सुसाइड और उन्होंने बताया कि यह केस जो है सुसाइड की लगती है फिर फेरमिस दिखाई देना होता है चाहे तो प्रतीत होना पुलिस एंड फोरसैनिक एक वार्ड है फोरसैनिक फोरसैनिक को हम लोग बोलते हैं जैसे अदालती न्यायिक जो अदालत की मतलब कुछ भी अगर मर्डर होती है तो वो क्या होती है एक अदालत में कुछ लोग उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं इन्वेस्टिगेशन और सेकेंडली करते हैं पुलिस करते हैं टीम हैव कलेक्टेड एविडेंस फ्रॉम द साइट और उनकी जो सारी टीम थी जो ना वो कलेक्ट कर रही थी जमा कर रही थी एविडेंस गवाह और सबूतों को फ्रॉम द उस साइड से जहाँ उस जगह से एंड हर बॉडी हैज़ बीन प्रिवड इन मेच्योरी अब मेच्योरी में क्या होता है शमशान घर होता है मुर्दा घर होता है लेकिन यहाँ पर मुर्दा घर हम ले सकते हैं जहाँ पर उसको आप अब प्रिजिविस्ता है कहीं पर बॉक्स में रखना या फ्रिज में रखना और ये बीन जो लगा हुआ है पैसिव है हैज बीन पैसी बनाया गया किसी तरह तो रखा गया वहाँ पे बर्थी को तो उस साइड से जहाँ पे वो बर्थी रखा गया हुआ है ही से उन्होंने कहा ये जोड़ते हुए आई जोड़ते हुए हर पुलिस वुड लॉज एफ आई आर ऑन द बेसिस ऑफ कंप्लेन ऑफ पेरेंट्स पुलिस अधिकारी एफ आई आर दर्ज करेंगे उनके माता पिता के आधार पे कंप्लेंट के आधार पर शिकायत के आधार पर यहाँ पर बेसिस में, है पर, में होता है आधार पर कंप्लेन में शिकायत होता है एफ आई आर में इसका होता है केस दर्ज करना यहाँ पर ऊट जो लगी हुई है मैंने फर, इन फ्यूचर की बात हो रही है जो पुलिस बोली जो अगर कुछ भी केस दर्ज की जाएगी उनके माता पिता के, के कथित